आज ही सड़क बनी है 3 दिन पहले, और आज इसकी नौबत यह है कि नीचे मिट्टी पड़ा हुआ है। क्वालिटी के नाम पे ये लोग चटाई बिछा रहे हैं। वैसे तो हर सरकारी कर्मचारी को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन कई कर्मचारी ऐसा नहीं करते। उनकी हरकतें देखकर आपका खून खौल उठेगा, दिल करेगा कि ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकें। फ्रेंड्स, बैड एम्प्लॉयज कॉट ऑन कैमरा पार्ट 1 के इस वीडियो में आप जो भी कंटेंट देखने वाले हैं वो बिल्कुल अनएडिटेड कंटेंट है, यानी हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। द वायरल नामा इन वीडियो के विचारों की अगुवाई नहीं करता। हमारा मकसद दर्शकों को ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, देश के कई हिस्से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ अफसर अपने स्वार्थ के आगे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। छत्तीसगढ़ के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास अपने दोस्तों के साथ कांकेर जिले के परलकोट डैम घूमने गए थे। यहाँ सेल्फी लेते हुए उनका 96,000 का फोन पानी में गिर गया, जिसे निकलवाने के लिए साहब ने 3 दिनों में तालाब से 21 लाख लीटर पानी निकलवा दिया। ये इतना पानी था जिससे 1500 एकड़ खेत सींचा जा सकता था। मीडिया ने मामला उठाया तो साहब को सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी अधिकारी की गाड़ी को रोककर भौंक रहे इस आदमी को देखकर हैरान मत होइए, इसे कोई बीमारी नहीं बल्कि ये शिकायत करने का अंदाज है। इस शख्स का नाम श्रीकांत दत्ता है, लेकिन राशन विभाग ने गलती से राशन कार्ड में इसका सरनेम दत्ता की बजाय कुत्ता कर दिया। श्रीकांत ने कई बार अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन नाम में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार श्रीकांत दत्ता ने विरोध का एक अनोखा तरीका निकाला। उसने बीच सड़क पर अधिकारी की गाड़ी को रोककर उनके सामने कुत्ते की तरह भौंकने लगा। पहले तो अधिकारी को मामला समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो उन्होंने चुपचाप श्रीकांत का आवेदन ले लिया। श्रीकांत का तरीका काम कर गया और कुछ दिन बाद ही उसका सरनेम सुधार दिया गया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक स्कूल की दो सरकारी टीचर्स किसी बात पर गुत्थम गुत्था हो गई। इनकी इस लड़ाई ने इतना खतरनाक रूप ले लिया कि लोग उन्हें छुड़ाने की गुहार लगाते हुए रोने लगे। बचाओ भैया, बचाओ ने। बचाओ कोई नहीं ले। लेकिन ये गुरुदेव तो छुड़ाने पर भी नहीं छूट रही थी। अब आप ही बताइए, जब टीचर ही ऐसे झगड़ेंगी तो बच्चों को क्या ही सीख देंगी। वैसे कोई बचा लो इन्हें, बचाओ भैया बचाओ इन्हें। इस सरकारी स्कूल में भी एक घोर मेहनती मास्टर साहब पढ़ा पढ़ा कर इतने थक गए कि भरी क्लास में दरी लगाकर सोना पड़ा। अब ये खर्राटे भरते हुए अपनी थकान दूर कर रहे हैं। सच, मन करता है उखाड़ फेंके ऐसे सिस्टम को। अब बात कुछ पुलिस वालों की, जिन्होंने अपनी करतूतों से पूरी पुलिस कौम को शर्मसार करने का काम किया है। देश की जनता ईमानदार पुलिस का सम्मान करती है, लेकिन खाकी का अपमान करने का हक किसी को नहीं देती। यूं तो पुलिस का काम चोरों को पकड़ने का है, लेकिन लखनऊ के एक मॉल में ये पुलिस वाला ही चोरी करते हुए पकड़ा गया। ये साहब अपनी वर्दी के नीचे 3-3 शर्ट पहनकर चुराने की फिराक में थे, लेकिन वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सके और धरे गए। इसके बाद तो जनता ने इन पर जो हाथ साफ किए कि बता नहीं सकते। इस दरोगा साहब की करतूत तो पिछले वाले से भी गई गुजरी है, जिसने अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान पहले तो इस सो रहे आदमी की तलाशी ली, फिर उसका मोबाइल ही चुरा डाला और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहां से चलते बने जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5,000 लाइक्स तो जरूर मिले। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इसी बात पर अभी ठोक दीजिए अपना लाइक। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम? नहीं हुए। अब मिलिए इन मोटे तगड़े फर्जी दरोगा से, जिनका टशन असली है लेकिन ये खुद नकली हैं। मुकेश यादव नाम का ये फर्जी दरोगा गाजियाबाद का रहने वाला था, जो अपने मोटे बदन पर पुलिस की वर्दी इसलिए सुसज्जित करता था ताकि उसके आड़ में भोले वाले लोगों से उगाही कर सके। लेकिन नकली दारोगा की दादागिरी कहां तक चलती। एक दिन धर लिए गए, फिर जो हुआ वो आपके सामने है। इंस्पेक्टर कब भर्ती हुए थे तुम?
नहीं हुए? फिर तुम वर्दी क्यों पहन के चलते थे? वर्दी पहन के नहीं जा रहा था। क्या करते हो, कार क्यों रखते थे इंस्पेक्टर का तुम? टोल टैक्स के लिए। टोल टैक्स बचाने के लिए? तुम्हें नहीं पता है कि क्या होती है इंस्पेक्टर वगैरह की पद वगैरह? तुम्हें नहीं पता कैसे भर्ती होते हैं पुलिस में? नहीं पता। तो वैसे ही बन गए फिर तुम पुलिस वाले। हरियाणा में फरीदाबाद के सेक्टर 3 में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल के खिलाफ विजिलेंस विभाग को शिकायत मिली थी, जिसमें उन पर भैंस चोरी की शिकायत में रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे। विजिलेंस की टीम जब वहां पहुंची, तो सब इंस्पेक्टर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन ये क्या, सब इंस्पेक्टर ने तो टीम के सामने ही रुपए निगलने की कोशिश कर डाली। वो तो इसकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, नहीं तो कोई यकीन नहीं करता। वैसे तो पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का है, लेकिन कुछ पुलिस वाले खुद ही ऐसी अशांति फैलाते हैं कि द वायरल नामा पर उनका वीडियो बन जाता है। कांदला कस्बे में ये पुलिस वाला शराब के नशे में धुत होकर इधर से उधर गिरता दिखाई दे रहा है। वहीं नशे में धुत यह दारोगा जमीन पर लेटा नजर आ रहा है। आपके सिविल लाइन पुलिस पहुंचा दूं आपको? मैं नजदीकी चौकी से संपर्क करके आपको पहुंचा देता हूं यहां से पुलिस लाइन। भाई साहब, पुलिस का ये हाल मत दिखाइएगा, माननीय योगी जी ने आपको बहुत सशक्त कर रखा है। और तो और, अपराधी को पकड़ने आए इस पुलिस वाले की हालत तो इतनी खराब थी कि खुद उसे ले जाने के लिए दूसरे पुलिस वाले को आना पड़ा। आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाइक पर बिठाकर ले जाया गया। यहाँ तो व्यवस्था के इन रखवालों ने सारी ही हदें पार कर डाली। लखनऊ में अवैध वसूली के पैसों के बंटवारे को लेकर ये जवान ऐसे भिड़े कि लात घूसों की नौबत आ गई। सरे आम गुत्थम गुत्था हो रहे इन वर्दीदारियों को छुड़ाने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन अपने हक के लिए इनकी ये जंग जारी रही और तमाशबीनों की भीड़ बढ़ती गई। सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे पुलिस कर्मियों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये घटना कटिहार रेल मंडल के जोगबनी से कटिहार आ रही चितपुर एक्सप्रेस की है। इसमें जीआरपी का जवान मुन्ना कुमार एसी डिब्बे में बिना रिजर्वेशन के यात्रा कर रहा था। जब टीटी विपिन कुमार ने टिकट मांगा तो इसने बहस करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और नौबत हाथापाई की आ गई। आखिर में मामला इतना बढ़ गया कि जवान बेल्ट खोलकर टीटी से भिड़ गया। यूपी में बुलंदशहर के जिला न्यायालय परिसर स्थित कोर्ट रूम में मोबाइल चलाने की बात को लेकर एक वकील साहब की दारोगा से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने पहले तो गुस्से में दारोगा को जी भर कर गालियां निकाली, फिर भी जी नहीं भरा तो उन्हें थप्पड़ रसीद दिया। यूपी के बहराइच का ये वीडियो देखकर आपका खून खौल उठेगा, जिसमें ये दारोगा साहब जनता की जेब पर डाका डालकर अपनी जेब भर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये दारोगा हेलमेट पहने इस लड़के को बाइक से उतार कर उसकी जगह बिना हेलमेट पहने वाले को बिठा देता है और उसका फोटो खींचकर 2500 का फर्जी चालान काट देता है। किसी ने इसकी इस करतूत का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ऐसे फर्जी चालान बनाने वाले पुलिस वालों से तो भगवान ही बचाए। दोस्तों, ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। राजस्थान के अलवर में इस लोको पायलट की करतूत खूब वायरल हुई थी। ट्रेन चलाते चलाते इन जनाब को अचानक गर्मा गर्म कचोरी खाने की इतनी तलब लगी कि कचोरी के लिए उन्होंने ट्रेन को ही बीच में रोक दिया और डिलीशियस नाश्ते का पैकेट लेने के बाद ट्रेन फिर से चलानी शुरू की। ऐसे कर्मचारियों की ऐसी ही हरकतों की वजह से देश का विकास रुका हुआ है। अब जरा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इस कर्मचारी की करतूत पर गौर कीजिए, जो टिकट खरीदने आए इस शख्स द्वारा 500 रुपए का नोट देने पर 500 का नोट छिपा लेता है और वापस 20 रुपए दिखाकर उससे और रुपए मांगने लगता है। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर हाँ। एक 125।
इसी तरह इस टीटी का ये काला कारनामा भी रिकॉर्ड हो गया, जो सीट देने के एवज में बुजुर्ग यात्री से रुपयों की मांग कर रहा है, फिर गिने बिना ही बुजुर्ग के हाथ से सारे रुपए लपक लेता है। ये देखकर बुजुर्ग यात्री हाथ जोड़कर उससे कुछ रुपए वापस करने की विनती करता है। उसके काफी गिड़गिड़ाने पर टीटी उसको एक दो नोट वापस कर देता है और बाकी सारे नोट अपने पास रख लेता है। पार्क बनाए भगवंतापुर रोड पे चुंगी के पास में दयाना एक्सप्रेस, ये भी बनना रोड है, इसके हालात देखो रोड के। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में सड़क निर्माण का ये वीडियो भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी है। इस वीडियो में एक युवक सड़क निर्माण में बढ़ती गई लापरवाही को उजागर करता नजर आ रहा है। यहाँ 3,80,00,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल की गई सामग्री और बनाने का तरीका काफी घटिया है। ये सरकार का पैसा मतलब में खत्म हो रहा है, इनके ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई की जाए। इसी तरह देवरिया के भेड़ी गांव की ये सड़क देखिए, जो बनने के साथ ही उखड़ने लगी। गांव वालों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने बिना तारकोल गिराए और बिना मिट्टी साफ किए यहां पे सड़क बनवा दी। सड़क निर्माण के दौरान विभाग का कोई भी इंजीनियर मौजूद नहीं था। सड़क बनाते वक्त न तो गड्ढों को भरा गया और न ही लेवल करवाया गया, सीधे रोलर चलाकर सड़क दबा दी गई, जिसकी वजह से ये उबड़ खाबड़ सड़क चटाई की तरह उखड़ रही है। आज ही सड़क बनी है 3 दिन पहले और आज इसकी नौबतिया है कि नीचे मिट्टी पड़ा हुआ है। इसी तरह होशियारपुर जिले के चब्बेवाल में तो और भी गजब हो गया, जहां बारिश के बीच और पानी भरी जगहों पर सड़क बनाई जाने लगी। इन लोगों को कौन समझाए कि बरसात में गीली सड़क भला कैसे टिक पाएगी। इसी बात की नाराजगी ये जाहिर कर रहा है कि सड़क बनाने वाले लोग सरकारी पैसे की ऐसी तैसी कर रहे हैं। शरेआम सरकारी पैसे दी धजियां उड़ रही, शरेआम मैनू काफी टाइम हो गया वीडियो बनाने भी, लेकिन वीडियो बनाते भी रुक नहीं रहे। आ देखो थले मिट्टी भी आ गई आ। ओ सरदार जी शर्म कर ला कुछ, ओ शर्म कर ला, लोकां दे हक दा पैसा तुसी बंद कर दियो ठेला। सरकारी मीटिंग्स के दौरान का ये वीडियो आपको हैरान करने के लिए काफी है, जिसमें यूपी के उन्नाव जिले में तहसील सभागार में डीएम और एसपी लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी सरकार के इस कर्मठ कर्मचारी को मोबाइल में गेम खेलने की क्या अर्जेंसी थी, जो वो ड्यूटी टाइम को फन टाइम बना रहे थे। हद करते हो साहब। इस वीडियो में राजगढ़ जिले रोजा हल्का का पटवारी राजेश खरे एक किसान से सीमांकन करने के बदले घूस मांगता है। वीडियो में युवक कहते हुए नजर आ रहा है कि पूरे 5,000 हैं, बाकी के पैसे काम करने के बाद दे दिए जाएंगे। वहीं पटवारी पैसा हाथ में लेने से कतरा रहा है और कह रहा है कि पैसा हाथ में लेना ठीक नहीं, दराज में या डिब्बे में रख दो। ये नाफिंग करते हैं डिब्बे में, क्यों हाथ में लेना ठीक नहीं है? अरे नहीं ऐसा तो सर, सिट्रेन क्या पांच अहम में ना अंतर बोली, ये कर लो आप, ये कर लो और एक भी नोट भी कम नहीं है। हाँ, सरकारी कर्मचारी के करतूतों की लिस्ट अभी रुकी नहीं है। अब जरा मध्य प्रदेश के रीवा जिले के डबोर इलाके का ये वीडियो देखिए, जिसमें भोलेनाथ पांडे नाम का ये शख्स एसबीआई का अपना एटीएम कार्ड लेने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वहाँ पोस्ट ऑफिसर उसे ये कहते हुए कार्ड देने से मना कर देता है कि तुम मुझे माजा कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल और गुटके लाकर नहीं देते तो मैं तुम्हें एटीएम कार्ड नहीं दूंगा। अब रखा है दही दही बच्चे तो दूर से हैं, हम नहीं देंगे, एक बार बता दिया ना। अब बैंक से भी ट्रैक नंबर भी लाए, कौन करने जानता है, आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। अधिकारी की नाराजगी से मायूस पांडे तपती धूप में माजा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने जाता है, लेकिन उसे माजा नहीं मिलती, जिसके बाद वो फ्रूटी की एक बोतल खरीद कर लाता है। लेकिन अब अधिकारी माजा नहीं मिलने की बात पर कहता है कि खोजने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तुम्हें माजा की बोतल नहीं मिली। मान लो ये माजा मिल जाता तो फिर तो दे देते ना। कुछ नहीं, हमारा बड़प्पन देख रहे थे, बड़प्पन क्या पन देख रहे थे। अब मैं ढाब में धूप में बार बार दौड़े, धूप में भागो ना, कोई नहीं कहता है, तुमको कोई जबरदस्ती प्रेशर है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार बोले हैं तो इच्छा अपना जाहिर की है ना, उसमें अब नहीं मिला तो हम क्या करें ना। अब कहेंगे ढूंढे सताला भगवान मिल जाता है, जान गए ना, ये इंसान बैठा लागे उतरे साइड के पर मार के, जान गए ना। हाँ, हम बोले नहीं रहे कच्चर, ये रखा लागे उनका ठंडा, जान गए ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।